आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर पृष्ठ रसायन के बारे में, सरफेस केमिस्ट्री। अब देखिए ये जो चैप्टर है, तो चैप्टर के अंतर्गत हम कोई भी पार्ट डालते हैं, उससे पहले हम ये समझा देते हैं कि ये चैप्टर में पढ़ना क्या पड़ेगा जी। अब ये चैप्टर इतना ईजी है कि आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि आप क्लास 9th में पढ़े होंगे टिंडल प्रभाव विरवानी गति कोलाइड, वहाँ पढ़े होंगे। तो वही सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत दी गई हैं, थोड़ा बड़ा कर दिया गया, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन डेफिनेशन आपकी वही है। अब बात करते हैं कि पृष्ठ रसायन, आखिर पृष्ठ रसायन होती क्या है। और आपने देखा होगा कि पृष्ठ के बाद रसायन है, तो इसका मतलब सबसे पहले पृष्ठ, तो पृष्ठ पढ़ लेते हैं हम कि पृष्ठ क्या होता है। अब देखिए आपने देखा होगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तीन। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव और गैस, ये तीन अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। अब उसने अगर पृष्ठ की बात कर रहे हैं, अगर पृष्ठ को मुझे समझना है, तो पृष्ठ में क्या होता है, उसकी एक कंडीशन होती है कि दो आमिश्रणी पदार्थ होने चाहिए। कौन कौन से? दो आमिश्रणी पदार्थ होने चाहिए। अब एक और कंडीशन होती है इसकी, बहुत अच्छी कंडीशन होती है, कि जो दो आमिश्रणी पदार्थ होते हैं वो चाहे आपके समान प्रावस्था में हो या भिन्न भिन्न प्रावस्था में हो, जरूरी नहीं करता कि आपका समान ही हो, डिपेंड नहीं है, लेकिन आपका भिन्न भिन्न प्रावस्था में है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और समान है तो भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या रह जाएगा, सरफेस को अगर हम समझेंगे, तो सरफेस पृष्ठ को यदि हम समझेंगे तो इसको कैसे समझेंगे, आइए बात करते हैं। इसका दूसरा नाम और सरफेस का मतलब सतह, सरफेस का मतलब सतह, पृष्ठ का मतलब सतह। अब बात कर लेते हैं, दो आमिश्रणी पदार्थ चाहे वे समान प्रावस्था में हो या भिन्न भिन्न प्रावस्था में हो, उनको पृथक है जो करने वाली सीमा होगी उसे कहते हैं पृष्ठ। क्या होता है, दो आमिश्रणी पदार्थ चाहे वो समान प्रावस्था में हो या भिन्न भिन्न प्रावस्था में हो, उनको पृथक करने वाली सीमा सतह कहलाती है। ये तो डेफिनेशन पृष्ठ की होगी, लेकिन उसने बात आपसे क्या किया, उसने आपसे कहा कि केमिस्ट्री दोनों को अगर बात करी जाए पृष्ठ रसायन की, तो पृष्ठ रसायन को कैसे समझेंगे। अभी तक हम क्या पढ़े, पृष्ठ, पृष्ठ के बारे में पढ़े, है ना, लेकिन पृष्ठ सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम एक चीज के बारे में जान लेते हैं कि इस चैप्टर में आखिर हम पढ़ेंगे क्या। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अधिशोषण, अधिशोषण, अधिशोषण पढ़ेंगे। अधिशोषण कितने टाइप के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक कितने, भौतिक रासायनिक कितने टाइप होते हैं, ये पढ़ेंगे। अधिशोषण क्या होता है, अधिशोष क्या होता है, अधिशोषक क्या होता है, अधिशोषण क्या होता है, ये पढ़ेंगे। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, उत्प्रेरण, दूसरा पहला पॉइंट पढ़ेंगे, इसके टाइप पढ़ लेंगे। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, उत्प्रेरण, इसके टाइप हम पढ़ लेंगे कि कौन कौन से उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरण क्या होता है। तीसरा जो पॉइंट आपका रहेगा वो रहेगा कोलाइड, कोलाइड पढ़ लेंगे। कोलाइड में हम पढ़ेंगे कि विरवानी गति टिंडल प्रभाव, इसी में हम पढ़ेंगे कोलाइड क्या होता है। और इसमें पढ़ेंगे समांगी विषमांगी उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक विष, ये इसमें पढ़ लेंगे। अधिशोषक अधिशोष और अवशोषण, ये इसमें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे चैप्टर में, सरफेस केमिस्ट्री में अधिशोषण उत्प्रेरण कोलाइड, इनके हमको टाइप पढ़ेंगे और चैप्टर आपका फिनिश। अब देखिए बात करने जा रहे थे कि हमने पृष्ठ तो समझ लिया कि पृष्ठ क्या होता है, लेकिन टर्म ऑफ एक कंडीशन रहती है, क्या रहती है कि ये बात आमिश्रणी पदार्थ की होती है, लेकिन क्या कोई मिश्रणी होता है जी। गैस आप देखिए, ठोस द्रव को छोड़ दीजिए आप, जो गैस होती है वो पूर्णतया मिश्रणी होती है, गैस जो आपकी होती है वो पूर्णतया मिश्रणी होती है, तो इनके मध्य कोई अंतरा प्रश्न नहीं होता। गैस को आप छोड़ दे तो ये आप नोट पॉइंट लिख लेंगे, नोट पॉइंट क्या रहेगा कि गैस पूर्णतया मिश्रणी होती है, इनके बीच कोई भी अंतरा प्रश्न नहीं होता। ये तो आपका एक पॉइंट हो गया, नोट पॉइंट किसका, इसका सर। अब सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, आप समझ लेते हैं सरफेस केमिस्ट्री की पृष्ठ रसायन आखिर होता क्या है। देखिए पृष्ठ या अंतरा प्रश्न, इन्हीं का तो अध्ययन करेंगे भाई। चैप्टर का जो टाइटल है वो पृष्ठ और अंतराप्रष्ट, यही तो हम पढ़ेंगे, जो चैप्टर का टाइटल है, तो टाइटल का अध्ययन किया जाएगा। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ अथवा अंतराप्रष्ट, पृष्ठ अथवा अंतराप्रष्ट पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन करना ही पृष्ठ रसायन कहलाता है। क्या डेफिनेशन हो जाएगी, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ अथवा अंतरा पृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे
सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। सरफेस भी हमने समझ लिया, सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है ये भी हमने समझ लिया, और क्या क्या इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वो भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो टाइप होते क्या है, और उन टाइपों को हम पढ़ेंगे कैसे कैसे इजीली तरीके से, और बहुत ही शानदार ट्रिक आपको लिए लेकर आएंगे। फिलहाल इस पार्ट में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।